दोस्तों, क्या आपके भी मोबाइल की बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है? अगर आप लोग दोस्तों 2024 में मोबाइल यूज़ कर रहे हो या 2025 में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके साथ ये समस्या आ रही है दोस्तों कि आपका मोबाइल हैंग हो रहा है, आपका बैटरी नहीं चल रहा ज़्यादा देर, तो आपको एक काम करना होगा। आपको मैं कुछ ऐसा सेटिंग बताऊँगा जिससे कि आप लोग का दोस्तों कभी भी बैटरी ड्रेन नहीं होगा। और वो दोस्तों सेटिंग आपको ध्यानपूर्वक देखना है। अगर आप लोग वो चीज़ को देख लेते हो, जान लेते हो, समझ लेते हो, तो आप लोगों का बिल्कुल भी बैटरी ड्रेन नहीं होगा। तो पहली बात दोस्तों, बैटरी हमारा क्यों खपत होता है, कैसे ख़त्म होता है, पहले इस दोस्तों फंडा को हम समझ लेते हैं। तो बैटरी हमारा ख़त्म होने का जो रीज़न होता है दोस्तों, वो होता है पहले कि आपका जो मोबाइल का जो डिस्प्ले है ना, वो बैटरी लेता है। ठीक है, वो तो लेता है, वो उसे हम रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है दोस्तों, दूसरा चीज़ क्या है कि जो एप्लीकेशन दिखाई दे रहे हैं मोबाइल में, ये हमारा जो है मतलब कि बैटरी हमारा लेता है, मतलब कि ड्रेन करता है। तो भाई, हमारा बैटरी ज़्यादातर ड्रेन होने का रीज़न यही होता है ना कि हमारा एप्लीकेशन इतना है, सारा एप्लीकेशन चलते रहता है और सारा एप्लीकेशन हमारा बैटरी खाते रहता है। ठीक है, तो इस समस्या को सॉल्व करना कैसे है? इस समस्या को सॉल्व करने का तरीका एक है कि मान लो दोस्तों, यहाँ पे अगर कोई एप्लीकेशन आप लोग चालू किए, मान लो कि दोस्तों मैं इंस्टाग्राम चालू किया, तो भाई ये इंस्टाग्राम चालू तो हो गया ना, अब ये बैटरी खाएगा। आप लोग हमेशा ये करते होंगे कि भाई यहाँ पे जैसे कि ऐसे करोगे तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो ये है, ये है, ये है, ये सारा चालू है, तो मतलब ये सारा बैटरी ड्रेन करेगा। ये आपको कभी भी ये चीज़ को नहीं रखना है अपने मोबाइल में, यहाँ से सिंपल सा पूरा क्लियर कर देना है आपको। ठीक है, इस प्रकार से। और जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया, अगर ओपन करके छोड़ देते हो तो भाई बैटरी आपका बहुत ज़्यादा ड्रेन होगा। तो ये गलती मत करो कि ड्रेन मतलब कि ओपन करके किसी भी एप्लीकेशन को छोड़ दो। अब दोस्तों देखो, जैसे कि किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो ऊपर से नोटिफिकेशन आता है उस एप्लीकेशन का, तो भाई उसे जल्दी से स्टॉप कर दो, क्योंकि दोस्तों वो बहुत ज़्यादा आपका बैटरी खा रहा है। ठीक है, तो करना क्या है, मान लो YouTube ज़्यादा बैटरी हमारा खा रहा है, तो इस पर क्लिक करके रखना है। ध्यान से सुनिएगा, सारे फ़ोन में ये ट्रिक काम करता है। तो यहाँ पे ऐप इन्फो पे क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फोर्स स्टॉप का, इस पर क्लिक करो और फोर्स स्टॉप कर दो। इससे क्या होगा कि ये एप्लीकेशन अभी स्टॉप हो गया है, जब आप लोग इसे चलाओगे तो ये चालू हो जाएगा, मगर जब आप लोग चाहोगे कि मैं इसे नहीं चला रहा हूँ तो इसे आपको स्टॉप करना है। इससे क्या होगा कि आपका बैटरी ड्रेन कम हो जाएगा और रुक जाएगा। और दोस्तों चाहो अगर तो आप लोग डायरेक्ट यहां से भी स्टॉप कर सकते हो, इस पर क्लिक करना इस पर, और यहां से दोस्तों डायरेक्ट आप लोग इसे ऊपर ऐसे से कर सकते हो, मगर क्या होता है कि अक्सर ऐसे बंद नहीं होता है। ठीक है, तो कंपनी वालों ने पहले दोस्तों ये समस्या देखकर ही ये सेटिंग दिया था, मगर ज़्यादातर कैश में जैसे आप लोग स्क्रॉल करोगे ये कट नहीं होता है, पहले से ओपन होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या है कि आपको कुछ सेटिंग करना होगा। तो करने के लिए करना क्या है कि यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे आपको बैटरी की सेटिंग में जाना होगा। तो मैं बैटरी की सेटिंग में चला जाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में और बैटरी में चले आना है। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक इशू फाउंड सेव पावर, मतलब दोस्तों एक इशू है। ठीक है, तो एक इशू है तो भाई उसे कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे सेव पावर पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक इशू क्या है, देखो इशू दिखा रहा है, इशू ये है कि ये एप्लीकेशन रनिंग में है जो कि दोस्तों हमारा बैटरी ड्रेन कर रहा है। तो हमें करना क्या है कि इसे स्टॉप करना है दोस्तों। तो इसे हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं, इसे स्टॉप करने के लिए सिंपल सा नीचे ऑप्शन है एक्सटेंड बैटरी लाइफ, यहाँ पर क्लिक करना और वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। देखो यहाँ पर दिखा रहा है नो इशू। ठीक है, तो यहाँ से स्टॉप करना है। अब हम बैक करते हैं, तो यहाँ से हम बैक करते हैं दोस्तों। बैक करने के बाद फिर से सेटिंग में जाते हैं और बैटरी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। तो गई सेटिंग में आना, सेटिंग में आने के बाद यहाँ बैटरी सर्च करना, बैटरी पे क्लिक करना और यहाँ पे देखो वो ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों करना क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि आपको सेट करना है। परफॉर्मेंस मोड पे क्लिक करना और यहाँ पे दोस्तों आपको, अगर आपको चाहते हो कि आपका बैटरी ज़्यादा ड्रेन ना हो तो भाई आप लोग नो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट पर क्लिक करके रखो। अगर चाहते हो कि भाई ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो तो ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब बैक करना है। बैक करने के बाद नीचे आना है, यहाँ पर ऐप क्यूक फ्रीज, इस पर क्लिक करना और दोस्तों जैसे कि ये ओपन हो जाएगा। आप चाहते हो कि दोस्तों एप्लीकेशन ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाए, मतलब बंद हो जाए, तो आप लोग उसको यहाँ से ऑन कर देना। ऑन कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, मतलब कि जैसे आप लोग उस एप्लीकेशन को क्लोज करते हो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। यहाँ से सेटिंग ऑन कर देना, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और आपका बैटरी काफ़ी ज़्यादा बचने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन और यहाँ पे बैलेंस मोड पे क्लिक कर देना। ठीक है, ये बैलेंस मोड पे क्लिक कर दोगे ये बैलेंस में चला जाएगा, कभी आपका बैटरी ड्रेन नहीं होगा। और यहाँ पे आके चेक करते रहना, अगर आपको कोई इशू दिखाती है तो नीचे आना और एक्सीडेंट बैटरी पे क्लिक कर देना। ठीक है, अभी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जिस वजह से अभी ठीक है। तो बस इतना ही वीडियो में, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर और शेयर जरूर कीजिएगा। तो बस इतना ही वीडियो में, बाय बाय।